लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब धारी देवी की मूर्ति नवनिर्मित मंदिर में स्थापित की जाएगी। मंदिर के पुजारी की ओर से 28 जनवरी स्थानांतरण की तिथि निर्धारित की गई है। सिद्धपीठ धारी देवी का मंदिर श्रीनगर से लगभग 13 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित था। आपको बता दें कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के बाद यहाँ डूब क्षेत्र में आ रहा था। इसके लिए इसी स्थान पर परियोजना संचालन कर रही कंपनी की ओर से पिलर खड़े कर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन परियोजना कंपनी ने धारी देवी मंदिर से प्रतिमा को अपलिफ्ट करने की ठानी। गढ़वाल के लोगों ने इसका विरोध किया और इसे विनाशकारी भी बताया, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी और धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 को अपलिफ्ट किया गया। उसी दिन शाम को केदारनाथ में जल प्रलय आ गया और 17 जून सुबह सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए। लगभग 4 साल पूर्व कंपनी की ओर से इसी के समीप नदी तल से करीब 30 मीटर ऊपर पिलर पर पर्वतीय शैली में आकर्षक मंदिर का निर्माण कराया गया, लेकिन कंपनी और आदि शक्ति माँ धारी देवी के पुजारी में सहमति न बन पाने की वजह से बार बार प्रतिमाओं की शिफ्टिंग की तिथि आगे खिसकती रही। लेकिन अब धारी देवी, भैरवनाथ और नंदी की मूर्तियों को अस्थायी स्थान से 28 जनवरी की सुबह शुभ मुहूर्त में मंदिर परिसर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस दिन सुबह 9:30 बजे के बाद मंदिर भक्तों के लिए खोला जाएगा।